हेलो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। एज़ यू ऑल नो, सीटेट फॉर्म्स आर आउट, है ना। और आपका इस टाइम तो ऑनलाइन भी है, खैर वो छोड़िए। आप लोगों को अलग अलग चैनल पे अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें गाइड करते हैं, कुछ वैसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इवन आई एम ऑल्सो सीटेट क्वालिफाइड, और एक बार नहीं, कम से कम भी जितनी बार भी मैंने सीटेट दिया है उतनी बार मेरा सीटेट क्वालिफाइड है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरा मैथमेटिक्स और साइंस से भी क्लियर है और SST से भी क्लियर है। आपको देखो, TGT बनना है। प्राइमरी वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, बेसिकली सिर्फ जनरली उसी के लिए बता रही हूँ, 6 to 8 के लिए। प्राइमरी का भी मेरा क्लियर है हालांकि सीटेट, पर ये सिर्फ सब्जेक्ट वालों के लिए। दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास जब आप फॉर्म भरते हैं, मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस। दोस्तों, आप TGT टीचर बनोगे, सबसे पहली बात, सीटेट सिर्फ 6 to 10th के लिए है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में तो अप्लाई होता नहीं है। तो आपको ना, लोग कहते हैं कि 6 to 8 की NCERT पढ़ो, नो, वो गलत है। आपको ना 6 to 10th की NCERT पूरी पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं, देखो मेजॉरिटी जो है वो 6 to 8 कवर कर लेता है, नो डाउट, पर आपके 9, 10th की भी हिस्ट्री है, सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, ज्योग्राफी, चलो सोशल पॉलिटिकल लाइफ को हम छोड़ देते हैं, पर आपका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। उसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, क्योंकि आपको TGT का टीचर बनाते हैं ना ये, इसीलिए। तो आपको अपने सब्जेक्ट के लिए, तो जो है ये सब्जेक्ट, साइंस भी अगर आपका है, मैथ्स, तो 6 to 10th की NCERT आपको करनी पड़ेगी हर हालत में, ठीक है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट, उसके लिए आप क्या कीजिए, एक ना MT सीरीज़ आती है, पतली सी बुक आती है 50 रुपये की, वह MT सीरीज़ ले लीजिए। और उस MT सीरीज़ में ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही होते हैं कि कैसे आप मतलब प्रैक्टिस, और वो क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम वो उठ के जो है हमारे ऐसे के ऐसे जो है एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल पतली सी बुक है, उसको सिर्फ साइकोलॉजी की खरीदो आप और सोशल साइंस की, और बाकी के सब्जेक्ट आप रहने दो, क्योंकि सीटेट में आपकी ग्रामर तो आती नहीं है। और उसमें से क्वेश्चंस वैसे के ऐसे आते हैं, उसमें वही क्वेश्चंस है, क्योंकि आपकी जो सीटेट एसेट KVS जो उसमें है, तो साइकोलॉजी आपकी पूरी वहाँ से कवर हो जाएगी। वो एक प्रैक्टिस है, उसमें एक्सप्लेन में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं आपके, पर क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की कलेक्शन है और पतली सी है, वो ले लीजिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। और एक चीज़ और है, जब आप ऑप्शन टिक करते हैं, क्योंकि इसमें 90 नंबर की आपकी पेडागॉजी आती है, ग्रामर तो आती नहीं है, उस पेडागॉजी को जब आप टिक करें ना, आप सिर्फ एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, वो ऑप्शन आपको लेना है जो बच्चों के हित में है सबसे ज़्यादा। मतलब टीचर का चाहे नुकसान हो, पेडागॉजी कहती है कोई बात नहीं, पर बच्चे का किसी भी हालत में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के उससे आपको ना, मतलब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा हर बार नए होते हैं, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलते हैं। तो वो सिर्फ वही है कि बच्चे का जिसमें नुकसान नहीं हो रहा, और दूसरा गवर्नमेंट की कभी भी बुराई नहीं होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो स्कूल के हिसाब से कि सरकार अगर ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये टीचर पे बर्डन आ रहा है, तो इन सबको आपको अवॉइड करना है, इन सबको गवर्नमेंट का हमेशा सपोर्ट करना है, और बच्चे जो हैं उनको भी हमेशा वहाँ पे टिक करना है। और एक चीज़ और है, इसमें कुछ थ्योरीज आती हैं आपकी कॉलबग वगैरह की, अरियंत की एक बुक आती है, 6 to 8 की ले लीजिए या 1 to 5th की कोई भी ले लो, दोनों में मैटर बिल्कुल सेम रहता है, बस उन थ्योरीज़ को कर लीजिए। इसमें थ्योरीज आती हैं आपकी, आई थिंक 7 या 8 नंबर के क्वेश्चंस पेडागॉजी में, है ना। अदरवाइज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पैडागॉजी आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगी, ये किसी कोचिंग से नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। और सब्जेक्ट के लिए बता दिया, और सब्जेक्ट भी आपके 60 के 60 क्वेश्चन नहीं आते बुक से, 35 और 40 के बीच में आते हैं, पर वो एग्जैक्ट आते हैं। और जो NCERT के बीच में जो साइड में टेबल नहीं दिए रहते, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी सुनिए, कहीं आप उनको स्किप कर दें तो ऐसा नहीं है, वो भी करने होते हैं साइड वाले भी। और अगर आप सिर्फ ये करते हैं तो आपका बहुत प्यार से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ये नहीं है आपको 120 लेने, 130, ये सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है टू रेडी फॉर द नेक्स्ट फर्दर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम इन टीचिंग फील्ड, ओके। तो सिर्फ आपको 90 लेने हैं, आप अगर 100 के लिए भी मेहनत करेंगे तो भी 90 ले आएंगे। कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं SHRD भी क्वालिफाइड हूँ, 5th तक भी, 6 to 8 भी, और PGT भी, और बहुत बार मैं नेट भी 3 बार क्वालिफाइड हूँ, GRF भी क्वालिफाइड हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग मेरे को ट्रस्ट करके अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपका पक्का पक्का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।